हेलो, गुड इवनिंग। हाय, एक प्रिंटर लिया था मैंने एप्सन का L3252, और ये वाईफाई के साथ आता है। ये अमेज़न पे अराउंड शायद 14,000 इतने का मिलता है। मुझे थोड़ा ऑफ़र में मिला ये अभी SBI कार्ड पे, तो 1,500 रुपये जितना डिस्काउंट मिल गया, तो अराउंड 13,500 जितने का पड़ा मुझे ये। तो मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ क्या आता है इसमें। ये अभी आके पहुँचा। वैसे इसका डिलीवरी डेट कल के लिए था, बट पता नहीं उन्होंने आज दिया। मैंने एप्सन के प्रिंटर्स पहले यूज़ किए हैं, बट इससे थोड़ा अच्छा वाला मॉडल यूज़ किया था इसमें। ऐसा कुछ है इसमें, ये कुछ पेपर वर्क है, इसमें एक DVD है, आई डोंट नो क्यों है, बट हो सकता कुछ हो। तो इसमें जैसा देखिए, कैमरे में ना पूरा फिट नहीं आ रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। मैं इसको फटाफट से निकाल के आपको करता हूँ। ये इंक के बॉटल हैं, इसके साथ ही आते हैं। ये 4 कलर हैं एक्चुअली। मुझे, मैं थोड़ा स्केप्टिकल था कि बॉटल्स आएंगे कि नहीं, बिकॉज उसके साथ एक था कि इंक बॉटल के साथ आता है, तो मुझे लगा शायद आएगा नहीं, बट आया है। इसके साथ एक USB केबल भी आता है। ये है प्रिंटर, टेप लगा हुआ है। ओके, ऐसा कुछ दिखता है अनबॉक्सिंग के बाद। बहुत लाइट वेट है, बाकी प्रिंटर तो इसके काफ़ी हैवी आते हैं, बाकी मतलब जो ऐसे थोड़े से प्रीमियम टाइप के होते हैं, बट ये काफ़ी लाइट वेट है। इसमें वाईफाई है, तो आप वाईफाई से प्रिंट कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसके नीचे भी एक मॉडल था जिसमें वाईफाई नहीं था, तो उसको मैंने बुक किया था, फिर मैंने सोचा कि वाईफाई इज मोर कन्वीनियंट, तो मैंने ये वाला फिर बुक किया। इसको मैं फटाफट निकाल देता हूँ। कितने टेप लगे हैं, इसके नीचे भी यहाँ पे टेप है। मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें निकाल के फिर मैं ऑन करूँगा। ओके, मैंने सारी रैपर्स हटा दी हैं इसके, और यहाँ पे पावर केबल मैंने इंस्टॉल कर दी है। अभी मैं इसको प्लग करूँगा, उससे पहले मैं इसमें इंक भर देता हूँ। इसमें इंस्ट्रक्शन में अगर कुछ है तो मैं बोल देता हूँ, हो सकता है कुछ लिखा हो। इंक प्लग करने के बाद इंक भरना चाहिए या फिर उससे पहले, आई नो आइडिया। ओके, तो इसमें है कि सेकंड स्टेप इज ये इंक भरने वाला काम जो है 50 सेकंड्स में, देखिए 50 सेकंड में ये भर जाता है, तब लिखा हुआ है। लेट्स सी, मैं इसको भर के आपको फिर दिखाता हूँ। मैं इस प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप कर दूँगा ताकि इजी हो जाए। ओके, इंक मैंने भर दिया है, इसको प्लग करते हैं। मैं इसको स्विच ऑन कर रहा हूँ। Thank you.
रहे हैं। ओके पेपर लेके क्या है इसमें वाईफाई ऑन करना पड़ेगा। ओके तो इसका सेटअप कंप्लीट हो गया है। थोड़ा टाइम लग गया एक्चुअली, ऐसे दिखा रहा था कि 11 मिनट्स लगता है। अब इसमें जितनी भी कंट्रोल है इसके, तो ये इसके थ्रू होता है। जैसे मैंने आईपैड में इसका इंस्टॉल किया हुआ है एप्लीकेशन, तो इसके थ्रू अभी चलता है। इसमें जो भी डायग्नोसिस या जो कुछ करना है ये सब आईपैड के थ्रू हो जाता है। मैं बस एक आपको प्रिंट निकाल के दिखाने वाला था, एक फ़ोटो प्रिंट निकालूंगा मैं, आपको पता चल जाएगा इसकी क्वालिटी के बारे में थोड़ा। तो इंक विंक भरने में थोड़ा टाइम लग गया, उस वजह से फिर आधे घंटे के आसपास लगा, फिर वो सेटअप कंप्लीट हो गया। अब इसका जो ऐप है वो ये है, एप्सन स्मार्ट प्रिंट या समथिंग लाइक दैट, मैंने कुछ ऐसे ही बना के रखा हुआ था। मैं आपको एक फ़ोटो प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो रखा हुआ है, आपको एक दूसरा फ़ोटो मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये ओके, यहाँ से इसमें एक सेटिंग है जिसमें कि फ़ोटो प्रिंट हो जाता है सीधा सीधा। मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ, ये भगवान जगन्नाथ जी का एक फ़ोटोग्राफ है मेरे पास। अब इसमें क्या है कि इसका जो साइज़ है फ़ोटो का वो है 4 इंच बाई 6 इंच का, मतलब 10 बाई 15 सेंटीमीटर का। अब इसमें फ़ोटो प्रिंट के ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो सिर्फ यही साइज़ प्रिंट हो सकता है, जबकि अगर आप डॉक्यूमेंट, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं एक्चुअली। अब इसका जो इंटरफेस है वो ऐसा कुछ दिखता है, जैसे आप ओपन करेंगे प्रिंट स्कैन डॉक्यूमेंट कैप्चर या जो भी है कॉपी वगैरह, तो प्रिंट में आप जाएंगे ना तो एक प्रिंट डॉक्यूमेंट आता है और एक प्रिंट फ़ोटो आता है। तो प्रिंट फ़ोटो में जाएंगे तो यही साइज़ ही वो पिक करता है। यहाँ पर मैं फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ और प्रिंट डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो मतलब रैंडमली कोई भी साइज़ चूज़ कर सकते हैं। मैंने ऐसे एक फूल वूल का, फ्लावर का ऐसे ही फाइल बनाया हुआ था, तो ये पूरा प्रिंट हो जाता है। और इसमें आपके कुछ एक सेटिंग्स भी आते हैं जो आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। और अभी मैं आपको एक फ़ोटो प्रिंट निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया लगे आपको कि इसकी क्वालिटी कैसी है। ओके ये है फ़ोटोग्राफ और मैं इसको फुल में रखा हुआ है, अभी आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगता है। मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। ओके अभी स्टार्ट हो गया, आपको प्रिंटिंग टाइम का भी पता चल जाएगा। तो फ़ोटो प्रिंट में थोड़ा टाइम लगता है इसको, आई डोंट नो, क्योंकि वो हाईएस्ट सेटिंग पे करता है। एंड ये जो पेपर मैंने लिया हुआ था, एक नॉर्मल सा पेपर है, ऐसे इंक जेट के लिए अलग से फ़ोटो पेपर आता है जिसमें कि आप इंक जो है वो अच्छे से आता है, नहीं जो लेज़र जेट के लिए भी अलग से आता है। तो मैंने ये नॉर्मल से यूनिवर्सल एक फ़ोटो पेपर लिया था, बहुत अच्छी क्वालिटी भी नहीं है ये, 180 GSM का है। अब 200-250 GSM का लेंगे तो और भी अच्छा प्रिंट आ सकता है। मैट फिनिश में मैं ढूंढ रहा था एक्चुअली फ़ोटो पेपर, बट मुझे ज़्यादा ऑप्शन मिले नहीं, बट अभी देखते हैं कैसा प्रिंट आ रहा है। मैंने एक प्रिंट निकाल के देखा हुआ है, बट मैंने उसको नॉर्मल पेपर में निकाला था और ये वाला जो है फ़ोटो पेपर में निकलेगा, अभी देखते हैं पता चल जाएगा। ये रियल टाइम है
जो प्रिंट प्रिंटिंग टाइम जो है इसका, बट ये फ़ोटो के लिए है। अगर आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे तो इंस्टेंटली हो जाता है ऐसे ही, बिकॉज मैंने पेपर प्रिंट करके देखा है। प्रिंट क्वालिटी आप देख सकते हैं, इट्स रियली गुड। अगर आप पास में जाके देखें तो कलर्स भी बहुत अच्छे आए हैं, और इसमें एक सॉरी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ अभी। ओके सो ये सबसे पहली चीज़ ये तो है कि आप A4 को 4 में डिवाइड करके बॉर्डरलेस प्रिंट ले सकते हैं, बिकॉज 4x6 का जो साइज़ है वो इसका हाफ बाई हाफ, आई मीन आई थिंक A6 साइज़ होगा उसका, तो वो प्रिंट आप ले सकते हैं। एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, फ़ोटोग्राफ की क्वालिटी ये देख सकते हैं आप। अब जितना अच्छा क्वालिटी का आपका फ़ोटोग्राफ होगा उतना ही अच्छा आपको मिलेगा प्रिंट। बस यही दिखा रहा था मैं, डॉक्यूमेंट प्रिंट में बहुत कम टाइम लगता है, इंस्टेंटली होता है वो, नॉट लाइक वेरी इंस्टेंटली बट कुछ लग जाते हैं, 1 मिनट में 10-12 प्रिंट निकल जाता है इसमें से। सो दैट्स इट, अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।